वेलकम बैक टू योर चैनल चलो अमेरिका। चलिए आज आपको घुमाते हैं कौई। कौई हवाई का चौथा सबसे बड़ा आइलैंड है और कभी कभी इसे गार्डन आइलैंड भी कहा जाता है। हवाई सुनते ही माइंड में सबसे पहले ट्रॉपिकल वेदर, रेन फॉरेस्ट और हरी भरी घाटियां, समुन्द्र का तट और उसमें टकराती हुई लहरें की इमेज बन जाती है। आपको एक बात बताती हूँ कि कौई के कुछ हिस्से में केवल समुन्द्र या हवा के द्वारा ही पहुंचा जा सकता है। है ना अमेजिंग नेचर की ब्यूटी। ये बिल्कुल कल्पना से परे है ये बात। हमने कौई बीच रिजॉर्ट में 10 दिन बिताए। ये हमारा लाइफ का बहुत ही अमेजिंग एंड ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस था। कौई के लिए बेस्ट टाइम है विंटर। समर वहाँ की काफी चिपचिपाती यानी ह्यूमिडिटी से भरी हुई होती है। कौई बीच रिजॉर्ट में एंटर करते ही पहले आपका स्वागत फ्लावर की माला से होता है एंड दे विल हेल्प यू टू पार्क योर व्हीकल जब भी आप कहीं से भी घूम कर आते हैं। है ना मजेदार बात। वहाँ का स्टाफ काफी फ्रेंडली है और कमरे आरामदायक हैं। होटल के एग्जैक्टली पीछे बीच है। इवनिंग का सनसेट एंड मॉर्निंग का सनराइज से लेकर आप वहाँ फैमिली फन भी कर सकते हैं। और कौई के जो बीच है उनका वाटर काफ़ी क्लियर है और आप जब भी बीच पे जाते हैं तो आप बड़े आसानी से फिश एंड टर्टल देख सकते हैं। होटल से लगभग 15 मिनट की दूरी पर एक बहुत बड़ा समुंदर भी है जहाँ आप स्नॉर्कलिंग कर सकते हैं और रिजॉर्ट में 5 स्विमिंग पूल हैं। पूल बहुत ही बढ़िया और डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि एक में उन्होंने स्लाइडिंग बनाई हुई है और एक वाटर एक पूल के अंदर उन्होंने वाटरफॉल लगाया है और सैंड वाला पूल है। वन पूल के अंदर आपने वॉलीबॉल खेलने का उन्होंने अरेंजमेंट करा हुआ है। इसके अलावा 2 जकूसी है जो कि बहुत ही सुंदर और अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। कौई की हर मॉर्निंग हमारी मुर्गे की बाग से होती थी। ये सुनकर आपको काफी हंसी आएगी कि कौई में बहुत सारी मुर्गियां हैं। इवन आप जहां भी जाएंगे वहां आपको दिख जाएंगी। हम 2 डेज के अंदर ना यूज टू हो गए थे उनको देखने के। होटल में बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, जैसे कि ताई ची, हवाई लैंग्वेज क्लासेस, नट एंड शेल ब्रेसलेट मेकिंग, फ्रेश फ्लावर नेकलेस एंड हवाई बाथ सॉल्ट, क्लास फॉर अडल्ट फॉर बेसिक मूव ऑफ हवाई डांस, वुडन इयररिंग्स एटसेट्रा। रिजॉर्ट में हर मॉर्निंग समुंदर के सामने ताई ची की क्लास होती थी और बहुत ही पीसफुल एंड नाइस एक्सपीरियंस था वो। आई कैन फील बिकॉज मॉर्निंग में ना हम लोग फिर हम सनराइज वहीं से देखते थे क्लास से ही और बाद में होटल में जाके ब्रेकफास्ट करते थे। तो होटल का फूड भी बहुत ही स्वादिष्ट था और फुल डे एक्टिविटीज रहती थी बुक किड्स के लिए और अडल्ट्स के लिए। कोई भी वहाँ बोर नहीं हो सकता है। पूल के साइड में एवरी इवनिंग माई ताई हुला डांस और हवाई संगीत होता था।
रिजॉर्ट में हवाई डांसर से मिलना और उनसे बात करने का एक अच्छा एक्सपीरियंस मिला हमें। रिजॉर्ट में लैंडस्केपिंग बहुत अच्छी तरह से की हुई है, इतने सारे सुंदर पौधे और फूल हैं कि जगह जगह आपको फोटो क्लिक कराने का मन करता है। बहुत ही यूनिक डेकोरेशन है रिजॉर्ट की। रिजॉर्ट का मॉर्निंग का व्यू टोटली डिफरेंट है नाइट से, तो मतलब दोनों टाइम का अलग ही मजा है देखने का। कुआई रिजॉर्ट से कुआई के सभी मोस्टली जो मेन अट्रैक्शन है वो 5 माइल पे है, इवन एयरपोर्ट भी। सो हमारी बहुत ही रिफ्रेश एंड अच्छी यादें कुआई ट्रिप में रहीं। प्लीज़ कमेंट्स एरिया में आप भी बताएं कि आप में से कौन कुआई बीच रिजॉर्ट में रुका हुआ है और या पहले कुआई गया हुआ है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please like, share and subscribe my channel. You can enjoy rest of the video.